भारत में सभी त्यौहार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और आस्था दिखाने के लिए मनाए जाते हैं। वहीं हिंदू धर्म में सांप को भी देवता माना जाता है और नाग पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन सांपों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। बता दें कि यह त्यौहार भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव के भक्त इस दिन सांपों का आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही भगवान शिव का भी आशीर्वाद लेते हैं। वहीं इस त्यौहार को पूरे भारत देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को मनाया जाता है। वहीं यह पूरे भारत में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार पर कई लोग सांपों को दूध भी पिलाते हैं, लेकिन उन्हें इस परंपरा के पीछे की वजह मालूम नहीं होती। तो आइए आपको बताते हैं नाग पंचमी पर सांपों की पूजा करने और उन्हें खिलाने के पीछे का क्या कारण है। बता दें कि इसका कोई खास कारण तो नहीं है, लेकिन इन बारिश के महीनों में सांप एक बड़ा खतरा है। वे आमतौर पर इस समय अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बारिश का पानी आता है और बिल की तलाश में वे लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए भी इनकी पूजा की जाती है और दूध पिलाया जाता है। वहीं यह भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने कालिया नाग से लोगों की जान बचाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव यूपी न्यूज़, 24 लखनऊ।